हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक्शा ज़ेबर। आप देख रहे हैं ज़रक्शा ज़ेबर टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सिलेक्टिव कलर ग्लास फ्रंट कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड, इसकी मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। तो ये एक फ्रेंड है, काफ़ी दिन से डिमांड कर रही है कि मैंने मतलब है इस किस्म की वीडियो सीखनी है, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ अपलोड करें। तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपने पिक्सल ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर कोई भी आप पिक ले सकते हैं जिस पर आपने नेम टाइप करना है। ठीक है, आप कोई भी पिक ले, जैसा कि मैंने ये पिक ले लिए। अब आपने फ्रेंड इस पे नेम लिखना है, कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा लव, लव मैंने लिख लिया। लव लिखने के बाद आपने इस पे फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्राउज़र इटालिक फ़ॉन्ट का नेम है फ्रेंड। लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, आपने थोड़ी सी पैडिंग भी करनी है ताकि नेम दोनों तरफ से ठीक तरह से आ जाए। अब आपने इसका साइज़ 200 पर रखना है और इसको एडजस्टमेंट कर देना। अब इसका बैकग्राउंड फ्रेंड मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और सेव इसको अल्ट्रा क्वालिटी में कर दूंगा। आपने भी अल्ट्रा क्वालिटी में करना है ताकि नेम की जो क्वालिटी है ना वो कम नहीं होती। फिर आपने करना क्या है, आपने पीएस टच में चले जाना है। पीएस टच में चले जाने के बाद आपने करना क्या है, प्लस पर क्लिक करेंगे, फोटो लाइब्रेरी पर जाएंगे। यहाँ पर आपने पिंस वाला फोल्डर ढूंढ लेना है। यहाँ पर जो आपने पिक ली है ना, जिस पर मतलब नेम लिखा है, वो पिक ले लेनी है। ये पिक है तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, फोटो लेयर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपने करना क्या, पिक स्लैब वाला फोल्डर फ्रेंड ढूंढ लेना है और अपना नेम उठा लेना है यहाँ से। ठीक है, नेम भी आ गया। अब आपने करना क्या, इस फर्स्ट लेयर के अपने दो डुप्लीकेट फ्रेंड कॉपी करनी है, यानी टोटल देखना तीन हो गए। तो अब आपने करना क्या, आपने इस लेयर को सिलेक्ट करके, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने लाइटनिंग में आ जाना है और सर्कल को पकड़ कर ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक कर देना है। और अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसका ब्लेंड मोड जो है फ्रेंड वो आपने स्क्रीन कर देना है। सेकंड लेयर पे आने के बाद आपने फिर एफ एक्स में आना है। एफ एक्स में आने के बाद आपने ड्रॉप शेडो में आ जाना है। ड्रॉप शेडो का जो एंगल है फ्रेंड ये आपने कर देना है 35, और जो ब्लर है ये आपने रखना है 2 पे, और जो डिस्टेंस है 2 पे रखनी है। ब्लर टू, डिस्टेंस 2, एंगल 35, और इसका ब्लेंड मोड आपने फ्रेंड कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लास्ट लेयर पे आना है। लास्ट लेयर पे आने के बाद आपने एफ एक्स में जाना है फ्रेंड, और आपने एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने करना फ्रेंड क्या, आपने बेवल में आ जाना है। ठीक है, बेवल में आने के बाद आपने इसका ब्लर जो है ना वो 30 रखना है, और जो डिस्टेंस है ये भी आपने 30 रखनी है, और जो कलर है ये आपने कर देना है ब्लैक। ठीक है, अब आपने इसका ब्लेंड मूड फ्रेंड थर्ड लेयर का आपने ओवरले कर देना है। ठीक है, ओवरले कर दिया। अब आपने सेकंड लेयर पे आना है। सेकंड लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने इस ब्रश पे क्लिक करनी है। इस ब्रश पे क्लिक करने के बाद आपने फ्रेंड करना क्या है, पिक को जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने फिल स्ट्रोक पर क्लिक करनी है। फिल स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपने पहले इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब आपने फिल स्ट्रोक पर क्लिक कर देनी है। ठीक है, फिल स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि मैं ग्रीन लूँगा। इस पर आप कोई कलर ले सकते हैं, जैसा कि मैं रेड लूँगा। इस पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसा कि मैं ब्लू लूँगा। इस पर भी आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह करते जाएँगे। ठीक है, तो ग्लास फॉन्ट आपका रेडी हो गया है। लेकिन आपने करना क्या, फर्स्ट वाले लेयर को पहले इसका पिक्सल डी सिलेक्ट आपने कर देना। अब आपने फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके आपने एफ एक्स में जाना है और यहाँ पे ग्लो में आ जाना है। ठीक है, इस पर भी स्ट्रोक लगानी है फ्रेंड, 0.6 इसका ब्लर रखना है और कलर आपने वाइट कर देना है। ठीक है, कलर वाइट करने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इस लास्ट वाले लेयर की भी एक डुप्लीकेट फ्रेंड कॉपी करनी है। ये देखिए आपका सिलेक्टिव कलर ग्लास फंड बन गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।